राहुल तू यहाँ से प्लीज जा। देखो लगता है ये दिखावा करने से देखो भाई की माफी मिल जाएगी। भाई मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मैं सही में माफी मांगना चाहता हूँ, चाहे जितना टाइम लग जाए। पर तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा कि भाई को तुझसे बात ही नहीं करनी? वो भाई बोलेंगे ना, तू क्यों बोल रहा है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे नानू की बरसी पे और प्रॉब्लम्स आए। ये क्या बचपन है भाई? तुझे एक बार में समझ में नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? हाथ क्यों लगा रहा है? माइक, राहुल, माइक बस, माइक नहीं, माइक, माइक। माइक बस, माइक नहीं, माइक, माइक, नहीं माइक, माइक बस। बस बहुत हो गया, अब बस यही देखना बाकी था। अपने तीनों बच्चों को आपस में लड़ते हुए देखकर आज दादाजी तो बहुत खुश होंगे। जब आप लोगों को उनका मान रखना ही नहीं था तो ये बरसी का ढोंग क्यों? वहाँ घर पर अपने अपने बेटे के पीछे आप लोगों के माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं। एक ही घर के लोग तीन अलग अलग जगह बरसी की पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? हाँ, आप लोगों को अपने सिवा किसी और के मायने ही नहीं। नहीं तो अगर अपने घर के बच्चे चाहे ना तो वो अपने बड़ों को अपनी बात बड़ी आराम से मनवा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को बोलकर क्या फायदा? आप लोग तो अपनी अपनी अहम में इतने घिरे हुए हैं कि दूसरों की खुशी नजर ही नहीं आती। और आप नरेन बाबू, आप तो अपने दादाजी के उसूलों सिद्धांतों की बहुत कदर करते हैं ना, तो क्या अपने परिवार को एक साथ खुश देखना ये आपके दादाजी के सिद्धांतों का हिस्सा नहीं? ये बरसी, ये रीत रिवाज, ये त्योहार, ये सब बड़ों के बनाए हुए बहाने हैं ताकि समय समय पर पूरा परिवार साथ आ सके। उन लोगों से पूछिए जिन्होंने बचपन से सारे त्योहार अकेले मनाए हों। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले हाँ, से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला? क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते मनाने के लिए मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। Thank you.
तुम्हारी चोट देख रहा हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक। नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक का बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी